वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन अब ऑनलाइन सपोर्ट में हूँ राहुल कुमार जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ अच्छे अच्छे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स लाता रहूं और आप लाभान्वित होते रहें हमारे वीडियोस को देख के। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो यहाँ हमारे पास फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का यहाँ सोशल का ऑब्जेक्टिव है जिसका मैं फुल आपको सॉल्यूशन करूँगा, फुल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन 40 क्वेश्चन का। एक चीज़ और, मेरा ये जो चैनल है वो बिल्कुल साइंस मैथ और इंग्लिश पे आधारित है। आई एम ऑल्सो ए साइंस टीचर, मैथ पढ़ाता हूँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सो मैंने ये जो निकाला है वो सॉल्यूशन बुक से निकाला है और कुछ सॉल्यूशन नेट से निकाला है। अपने तरफ से 100% सही करने की कोशिश की और सही है भी, टोटल सही है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे बिकॉज ये आर्ट्स पोर्शन है। चलिए आइए तो देखते हैं हमारा, फिर मैं जो बताऊंगा उसका एनालिसिस भी करूंगा कि कैसे क्या होगा। चलिए आइए तो देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी जी। बोल्शेविक ये रूस की क्रांति है और रूस में हुई थी फरवरी 1917 यानी कि 1917 ईस्वी में। चलिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, ये ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली था, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी सितंबर 1920 में। कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवर गेवार ने की थी। सो ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर का बी बिल्कुल ट्रू है। 1925 1925 में के बी हेडगेवार, अभी मोहन भागवत हैं इनके। चलिए आइए, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को 1918 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में। और उसके बाद 1928 में एक और रिवोल्यूशन हुआ था एज कम करने के लिए, बट 1918 में दोनों को मिल गया था मताधिकार करने के लिए। चलिए तो 1918 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जाना जाता है? देखिए, इसमें मध्यम वर्ग और एक उद्योगपति, इन दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा था, बट बुक से भी मिलाया गया तो मध्यम वर्ग ही आउटपुट आया आंसर, और नेट पे भी मध्यम वर्ग, जो लोग मतलब सिंपल जो बिजनेस करने वाले हैं उन्हीं को बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में माना गया है इतिहास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता? देखिए, रेशम मार्ग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशम मार्ग से होता था। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार है वो रेशम मार्ग से होता था। सो रेशम मार्ग यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, और रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट इज द राइट ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर एट, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? देखिए, आर्थिक संकट का कारण ही पूंजीवाद था, सो यहाँ पे साम्यवादी सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, और साम्यवाद का ही उदय हुआ था यहाँ आर्थिक संकट के बाद यूरोप में, तो साम्यवाद हमारा राइट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, राइट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था ये। सोपान कृषि की जाती है उत्तराखंड में, सोपान कृषि में बता देना चाहता हूँ पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों की ढलान पर यह कृषि की जाती है, तो उत्तराखंड में ये कृषि की जाती है सोपानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे इजी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, प्राणियों के शरीर में 70% जल निहित होता है जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को तीन वर्गों में बांटा गया, वही अतिवृष्टि अनावृष्टि वगैरह करके उस तरह से तीन वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14, 1948 में मैं बता देना चाहता हूँ कि एक एनजीओ ने रिपोर्ट की थी, प्रकाशित की थी कि कितना हेक्टेयर में वन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 40.48 यानी 40.48 मिलियन हेक्टेयर था, है ना, तो उसको लगभग हम करेंगे तो 400 करोड़ हेक्टेयर होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़ हेक्टेयर्स। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन की आवश्यकता होती है, मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ। एक टन बनाने में चाहिए मुझे लगभग 7 से 8.5 केजी, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन 10 से 10 किलो ही राइट आंसर होगा, क्योंकि कम में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। और 8.7 के लगभग आपका 10 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है 10 केजी वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, ये भी एकदम हल्का क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपभोक्ता उद्योग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उपभोक्ता उद्योग का मतलब वह उद्योग जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है, तो चीनी उद्योग है, ये डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है, इसमें सरकार का कोई ये नहीं होगा। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है जो 1986 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पाइराइट किसका खनिज है, धात्विक है, क्योंकि पाइराइट होता है कॉपर पाइराइट, इस तरह से कॉपर का होता है तो आपका धात्विक खनिज हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय यानी कि अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 10.5% थी और रूरल थी 89.5%। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा रंग विरोधी नहीं थे, तो मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और टोमी स्मिथ, ये सभी गोरे नहीं थे, सो ये इन्होंने रंग विरोध किया था। जेडी गुडी ने रंग विरोधी आंदोलन में भाग नहीं, मतलब रंग विरोध नहीं किया है कभी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताना और फिर उस धर्म को उस पर ओवरलैप करवाना, तो डैट मीन्स एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ करना, और भी कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सांप्रदायिकता में लोग खुशी खुशी बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाती है, तो खैर अभी भी हो रहा है, एक धर्म के तो एक समुदाय बनाएंगे ही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सुटेबल है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट चाइना में है, फेडरल गवर्नमेंट चाइना में पाया जाता है, ऐसे आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, देखिए 60 और 70 दोनों आता है इसमें, बट डिकेड पूछ रहा है तो मैंने 1960 डाला था, अगर आपको और ज़्यादा कन्फर्म होना है तो आप जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 1960 राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध है, वृक्ष बचाने से पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग चिपक जाते थे वृक्ष में, इसको चिपको आंदोलन बोला गया, पेड़ बचाने के लिए यह आंदोलन चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, तारी विरोधी आंदोलन जो है नेल्लूर नामक कोई जगह था आंध्र प्रदेश में, है ना, जैसा मुझे पता है 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में ये तारी विरोधी आंदोलन 1919 आंध्र प्रदेश में 1992 में चालू किया गया था स्त्रियों के द्वारा, इतना मुझे पता है तारी विरोधी आंदोलन के बारे में, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट चलते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र यूएसए ही है जिसने सबसे पहले ये किया था कि हमारा जो सरकार है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले यूएसए में ही बनी थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, गठबंधन की सरकार, देखिए एक दलीय अर्थव्यवस्था में गठबंधन की जरूरत नहीं है, और दो दलीय तो कभी गठबंधन भैया होगा ही नहीं, दो दलीय में कैसे होगा, एक जीत एक हार, तो वो दोनों गठबंधन कैसे कर सकते हैं, तो बहुदलीय में गठबंधन की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, 26 का 8। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा हमारा ये रामविलास पासवान का, बीजेपी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मायावती, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पहले थी भारत का राष्ट्रीय दल, मतलब एक थी, कहने का मतलब है कि आज़ादी के टाइम का, बट अब ये राजनीतिक दल नहीं है, ब्रेक हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से कौन देश में मिश्रित, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था, देश का भी बाहर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बिहार, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है, चलिए ये शेयर बाजार का पूरा एकदम सेबी ये करती है, और निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त साधन, संस्थागत यानी कि एक संस्था के अनुसार पूरा वित्त करती है लोकेट, तो वो हो गया व्यावसायिक बैंक, कोई व्यापारी या कोई रिश्तेदार या कोई महाजन, ये सब फिक्स नहीं है, बट एक संस्थागत फिक्स चीज़ व्यावसायिक बैंक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, सारे लोग जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
वैश्विक के मुख्य अंग। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें, इसलिए आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। वैसे इसमें मैं दोनों ऑप्शन को क्रिएट करना चाहूँगा एक जगह। ये तो आपके बुक में सिंपल ही मिल जाएगा, दो में ज़्यादा मैं कंफर्म हूँ, बट एक जगह मुझे चार मिला है तो मैं ये कंफ्यूजिंग छोड़ दिया है मैंने। ओके, तो आप इसको जाके नेट पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में चालू हुआ था। स्वर्ण आभूषणों में हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क चाहिए स्वर्ण आभूषणों में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, देखिए होता क्या है कि बाढ़ आया तो मिट्टी कट के और जाके तली में जमा हो जाती है, जिससे ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ का पानी बाहर आ जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी, नदी की तली में अवसाद का जमाव। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो पिरामिड आकार के होते हैं, डेट मीन्स त्रिभुजाकार पिरामिड जो होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसको बहुत कम प्रभावित करता है। जो लंबा टाइप का स्ट्रक्चर होता है पिरामिड, उसको बहुत कम ये भूकंप जो है जो प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार संरचना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं सेकंड सेटिंग का भी बहुत जल्द लोड करने वाला हूं, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से आगे भी मैं साइंस का और मैथ का वगैरह वगैरह का बहुत एनालिटिक रूप से सॉल्यूशन करूंगा। इसमें तो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, बट वहां एकदम 100% सही होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।